अरुण सर ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो आइए देखिए इंग्लिश सीट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही देखिए पॉइंट जो बड़ा पाइप रहेगा तो उसको नाप कर 2.5 इंच पर काट दिया जाता है। यहाँ पर मैं 3 इंच का काट रहा हूँ, तो जिसकी मतलब मदद से ब्लेड की मदद से पाइप को काट रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए कि कैसा वीडियो लगा। ये देखिए पाइप कट गया, तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। पाइप कट चुका है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर आप यदि कहोगे तो सीट रख कर देखते हैं कि फिक्स है कि नहीं। तो सामान पूरा तो आ चुका है, देखिए और नाप लिए और नाप कर देखिए कि सीट बराबर बीचों बीच रहना चाहिए एकदम सीधा। और जैसे कि अगर लेटरिन का घर छोटा है तो एक तरफ टोटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा कर देना जगह, और फिर ऐसे इंच नाप कर सीधे सीधे नाप लेना, और एकदम बीच बीच रहना चाहिए सीट और सीधा ही रहना चाहिए। और जिस तरफ टोटी है उस तरफ थोड़ा जगह ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बाथरूम थोड़ा पतला है ना, इसलिए। तो 33 इंच है, तो इस तरफ 16-17 इंच दे देना टोटी की तरफ जगह, और 15-15 इंच बाएं साइड में जगह दे देना। और ये रेड स्प्रे खोल कर दिखाता हूँ, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, ये हैंड स्प्रे सॉरी। तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ये देखिए जो कि पट्टे से वादा हुआ था वो मैंने काट दिया। इसको खोल लेते हैं, खोल कर सेट करने की कोशिश करेंगे, और ये जो हैंड स्प्रे इसको फूंक कर मुझे से चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है बराबर। और फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, कि जितने लोग हमें सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे उत्साहित बढ़ेगा। ये 20 है फाइबर का, बढ़िया वाला है ये भी। ये टोटी प्लेट है स्टील का, देखिए रबड़ रबड़ निकाल लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं उसका कैप। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, देखिए आप थोड़ा अब वीडियो को स्पीड में कर रहे हैं, नहीं तो समय आप लोग का बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो लोग नहीं देखना चाहते। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। जेड स्प्रे खोल लेते हैं इसको भी, ये देखिए इसमें पेन गिफ्ट में मिला है, इसको भी काट के खोल लेते हैं ठीक। तो फिर चलिए अब कवर को सेट करते हैं और जेड स्प्रे के साथ देखते रहिए आप लोग। ये देखिए पहले घुंडी इसको लगा लेंगे, घुंडी लगाने के बाद ये देखिए साइड से ऐसे लगा देंगे, उसके बाद जेड स्प्रे में
लगा कर सेट कर देंगे और नीचे से कर देंगे। तो फिर प्लग खोल लेते हैं चारों, देखिए प्लग मैंने खोल लिया। टेफ्लॉन लगा लेते हैं टोटी में, ये लॉन्ग टोटी है, छोटी भी टोटी आती है, लॉन्ग मतलब बड़ी, शॉर्ट मतलब छोटा। देखिए एक टोटी लग चुका है और दो है टोटी लग रहा है। ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। और ये देखिए एंगल वाल लग रहा है, देखिए एंगल वाल लगने के बाद कनेक्शन पाइप लगा रहे हैं। कनेक्शन पाइप भी लग ही रहा है। और फिर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेते हो आप लोग, ये बहुत है। ऐसे ही आप लोग दुआ देते रहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। कनेक्शन पाइप लग गया है, देखिए। और ये क्या बोलते हैं कि अभी हम लगा रहे हैं जो कि सांस न रहे, कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। फिर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही देखते रहिए मेरे पास कोई कंप्यूटर है नहीं, मैं मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ पावर डायरेक्शन से। देखिए सीट के अरे हम लगा रहा हूँ जिससे इसमें काई ना लगे। साफ काम चाहिए, साफ काम चाहिए और क्योंकि ग्राहक को दिक्कत ना हो साफ करने में। सीट के अरे बगल एम सील लगा रहे हैं, पत्थर वाला एम सील जो कि कोई दिक्कत ना हो। और पाइप में भी हम लगा दिए जहाँ पर पॉइंटर डाले हैं क्योंकि कोई गैस वगैरह ना निकले गंदा ना मारे। और जो भी है साफ रहना चाहिए, जितना साफ काम करोगे उतना ही नाम अच्छा होगा। तो ये देखिए मैंने सामने वाला टोंटी निकाल दिया, ज़्यादा बड़ी था इसलिए जगह नहीं था, इसलिए मैंने स्टील का मंगवा के छोटे में लगा दिया। अब तो ठीक दिख रहा है, बाकी सब सिस्टम वैसे ही रहेगा। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, प्यार दुलार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेट कीजिए आप लोग। ये देखिए टेपला मार रहा हूँ, दूसरा एंगल वाल कस रहा हूँ, ऐसे ही देखते रहिए। थोड़ा सा लगने का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे ही देखते रहिए, देखिए टेफ्लॉन मार रहा हूँ तीसरे में, तीसरा एंगल वाला लगा रहा हूँ। ये देखिए ज़्यादा प्रेस न करें नहीं तो फाइबर का है तोड़ भी सकता है। इतना मारे अपने अंदाज से मारिएगा कि टूटे ना, और इतना ही कसिएगा कि ज़्यादा टूटे ना। और एंगल वाल को कस रहा हूँ, एंगल वाल कसने के बाद तो आगे काम
हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। देखिए जो डिस्प्ले का कनेक्शन पाइप है वो भी मैंने लगा दिए और पक्कड़ से कस दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि पानी लीक ना हो, कि ग्राहक का नुकसान भी ना हो। आराम से देखिए हो गया, कोई दिक्कत है थोड़ा सा कर देता हूँ। ये हैंड स्प्रे वाला है तो हैंड स्प्रे को मैं थोड़ा सा कस देता हूँ, अब प्लास से कस देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्लास से थोड़ा कस देंगे तो अच्छा रहेगा, पानी लीक नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है और क्या नहीं, वीडियो अच्छा बनता है कि नहीं, मेहनत तो करता हूँ भाई। और फिर आप लोग बताइए कहाँ से हो, जो कि कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। हैंड स्प्रे को गलवाल उसको लगा देते हैं, जो कि ऊपर हो जाएगा। देखते रहिए आप लोग ऐसे वीडियो को, वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पर ठीक रहेगा, जो कि आराम से बैठकर सीट पर पहुँच जाएं। तो हम खुद ही एक बार बैठकर चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर पहुँचते हैं कहाँ पर नहीं, तो ऐसे ही देखते रहिए। देखिए मैं निशान मार लिया हूँ, निशान मारा, उसके बाद डील कर रहा हूँ। तो डील करने के बाद गुल्ली टोक कर स्क्रू टाइट कर दूंगा इसमें, जैसे कि देखिए स्क्रू डालकर अभी कस दूंगा और हैंड स्प्रे लगा दूंगा। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियो में कमी क्या है, कि अभी मैं नया नया हूँ, यूट्यूब खोला हूँ और हमारे इस पे मतलब प्लम्बरिंग और वायरिंग का दोनों वीडियो पड़ेगा। तो ये देखिए लग गया है हैंड स्प्रे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये देखिए मैंने सीधा कर दिया, उल्टा हो गया था। तो ऐसे ही देखते रहिए, सिस्टम टैंक की बारी आ चुकी है, तो सिस्टम टैंक की निशान मार कर डील कर दे रहे हैं और उसको भी टांग देंगे, जाम कर देंगे इसके बाद। और जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा। तो ये देखिए, और इसको भी सेट भी करना पड़ता है, सेट करेंगे कितना पानी चाहिए जो कि बाहर ना निकले, नहीं तो कोई कोई होता है कि बिना सेट करे करता है और बाहर निकल जाता है। देखिए इसको कस दे रहे हैं, जो कि पाइप निकले ना, और जो एक रबड़ होता है ब्लैक वाला उसको ज़रूर लगाएं, नहीं तो पानी लीक करेगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें, यहाँ पर भी एक रबड़ लगता है तो मैं इसको लगाया हूँ इसमें, और आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हो। देखिए कनेक्शन पाइप है, कनेक्शन पाइप को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये देखिए इसका भी निशान नाप पर लगा देते हैं, जो कि वो भी वैसे ही खड़े किए थे सिस्टम टैंक को। सिस्टम टैंक को सेट करने के बाद कुछ नहीं बचेगा,
और फिर आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय।